हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए, कल हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, ओके, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और यहाँ पर अगर हम आज की डेट की बात करें तो लगभग 147 पॉइंट, लगभग 1% के लगभग आसपास यहाँ पर निफ्टी गिरा हुआ है, और ऐसे ही दूसरे इंडेक्सेस भी गिरे हुए हैं। तो उनके गिरने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे, एज वेल एज हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि देखिए, मार्केट लगातार ना तो तेजी जाती है ना ही लगातार गिरती है। तो उसके पीछे जब गिरती है तो रिट्रेसमेंट होता है, और जब भागती है तो भी रिट्रेसमेंट होता है। तो इस रिट्रेसमेंट में ही आपको एक अच्छे स्टॉक खरीदने का मौका मिलता है, और यहाँ पर उस टाइम आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। मार्केट में जो एक बॉटम बनना था वो बॉटम बन चुका है, ओके, बिलीव मी, वो बॉटम बन चुका है। और यहाँ पर ये जो मार्केट है ऑल हाई पे बहुत जल्दी यहाँ पर जाने वाली है, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 6 महीने, 1 साल। बट यहाँ पर जो इसका अभी 52 वीक हाई जो था वो 52 वीक हाई यहाँ पर अचीव करता हुआ जरूर नजर आएगा। अब केवल और केवल रिट्रेसमेंट नाम की चीज यहाँ पर हो रही है, ऊपर जा रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है। इस तरीके से अभी यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर चार्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड और कुछ यहाँ पर और चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर क्या एक्चुअली मार्केट में चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर मार्केट गिरती हुई इस वीक में नजर आ रही है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिले, आप यहां पर देख सके, सीख सके। और यहां पर जितना सीखेंगे, याद रखिए, उतना ज़्यादा यहां पर आपको मजे आने वाले टाइम में। दूसरा चैनल है नितेश कुमार, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को उसका भी हिट कर लीजिएगा। और ट्विटर पर हम यहाँ पर चार्ट डाल रहे हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है, ओके। तो यहाँ पर निफ्टी 50 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि लगातार चीज़ें ऊपर नहीं जाती और लगातार चीज़ें नीचे नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इसने एक बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद इसने यहाँ पर एक यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तक एक ऊपर गया, ऊपर जाने का, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक ऊपर इसने हाई, दूसरा हाई बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसने एक और हाई बनाया, अब थोड़ा सा फिर नीचे आ रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट कहलाती है, दूसरी पहली बात। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जब तक ये एक तो यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई था अभी फ्राइडे का 16752 उसे क्रॉस ना करे, और दूसरा मेन इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है अपना 16800 का, 16800, ये दो लेवल को जब तक क्रॉस ना करे तब तक निफ्टी में तेजी नहीं होने वाली। और जैसे ये लेवल यहाँ पर क्रॉस हो गए तो याद रखिए सेकेंड राउंड ऑफ यहाँ पर तेजी के लिए तैयार है, और 17300 और 17400 तक का यहाँ पर लेवल मिलता हुआ नजर आएगा उसमें। और नीचे सपोर्ट की बात करें, एक बेहतरीन सपोर्ट आज था, ओके, वो सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है, तोड़ के वो चीजें नीचे आ गई है। अगर कल के दिन मार्केट में गिरावट होती है तो एक सपोर्ट और नजर आता है, ओके, जो यहाँ पर मेन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 16290 का, 16290 का बेहतरीन सपोर्ट है। अगर उसे तोड़ा तो याद रखिए और ज्यादा यहाँ पर गिरावट आ सकती है। अदरवाइज चीजें मुझे क्या लग रही है कि यहाँ पर 16200 तक, यहाँ पर 16300 तक मार्केट आएगा, ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी अगर हम बात करें फेड की मीटिंग है आगे जो अगस्त में, यहाँ पर आरबीआई की मीटिंग है, तो ये सारे के सारे चीजें मिलके यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर डाल रही है, एज वेल एज कंपनीज के रिजल्ट अभी 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और दूसरा रीजन ये है कि लगातार एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम बात करें पिछले एक महीने में ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 50%, 30%, 20% के रिटर्न दे दिए एक एक महीने में, तो ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पर सारे रीजन को पकड़ेंगे। यहाँ पर दूसरा रीजन और भी बात करें तो यहाँ पर देखिए FIIs की यहाँ पर सेलिंग कल के दिन में होती हुई नजर आई है, लगभग 845 करोड़ रुपीज के आसपास की सेलिंग, एज वेल एज DIIs ने भी बेचा है 72 करोड़ रुपीज के आसपास का। तो ओवरऑल यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता हुआ नजर आ रहा है, और DIIs भी ने भी यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, आज भी इसी तरीके का कुछ यहाँ पर फिगर होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे इंडेक्सेस की, तो दूसरे इंडेक्सेस में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने एक हाई बनाया, ओके, और हाई बनाने के बाद यहाँ पर देखिए
इसने एक डोजी, जो मैंने कल बताया था कि एक डोजी है, डोजी बन रही है, उस डोजी को इसने तोड़ दिया है। तो जहां तक है मार्केट में और गिरावट आएगी और निफ्टी बैंक में खासकर यहाँ पर गिरावट आएगी, बट साथ में ही सपोर्ट नजर आता है, तो एक सपोर्ट काफी बेहतरीन चीज होती है। ओके, वो यहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट देता है कि हाँ यहाँ से नीचे नहीं जाऊंगी। तो इसके अलावा बात करें 36,114 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। ओके, इसने यहाँ पर होल्ड कर लिया, जो कि यहाँ पर मार्केट में गिरावट होती है और इसने यहाँ पर होल्ड कर लिया। ओके, चलेगा। ओके, बट अगर यहाँ पर इसने तोड़ दिया तो और नीचे मार्केट आएगी, बट इसे असली तेजी के लिए, जो इसका अभी का हाई था, ओके, कितना 37,011 और 37,020 को यहाँ पर निकाला तो तेजी होगी 37,600 तक की। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन लेवलों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आप यहाँ पर मार्केट में बने रहे, मार्केट में आपको चीजें समझ में आए, फिर इस तरह आप लेवल्स भी ध्यान रखेंगे, पता चलेगी कि मार्केट कैसे देखते हैं, तो आपको चीजें समझ में आएगी। और इसलिए लेवल्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिएगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मिड कैप की, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने हमेशा बताया कि अच्छे रिटर्न चाहिए तो मिड कैप स्मॉल कैप में ही यहाँ पर पैसा बनेगा। ओके, मिड कैप में आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके चलेंगे, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा अच्छा बनेगा, नो डाउट। बट जब गिरावट होगी तो एज कंपेरिजन टू निफ्टी 50, यहाँ पर गिरावट भी उसी तरीके से ज्यादा होती हुई नजर आएगी। तो आप यहाँ पर देखें, निफ्टी 0.88% गिरा है, ये 1.25% यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, और इसने भी जो सपोर्ट था, ओके, यहाँ पर जो मेन सपोर्ट था उसे यहाँ पर आज के दिन तोड़ा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट और नजर आता है 28,500 का, अगर ये सपोर्ट यहाँ पर रुक जाता है, गुड। अदरवाइज चीजें यहाँ पर 27,000 और 28,000 का जो लेवल है, 27,900 और 28,000 का, ये एक बेहतरीन लेवल नजर आता है। अगर यहाँ तक रुक गया, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगी, जो मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद एक दूसरी राउंड ऑफ जो जर्नी है, जो दूसरी राउंड ऑफ जो जंप है, वो यहाँ पर नजर आएगी। तो इसी चीज तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मिड कैप में गिरावट है, सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, और रेजिस्टेंस ऐसे अगर इसने अपना हाई निकाला 29,236 का, तो तेजी होती हुई नजर आएगी। निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का हमारे पास चार्ट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी 50 में गिरावट कम, निफ्टी मिड कैप में थोड़ी सी उससे ज्यादा, निफ्टी स्मॉल कैप उससे ज्यादा। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखिए 1.5% की यहाँ पर गिरावट हुई है। ओके, और बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर ये अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट में गिरावट आएगी, जो इसे यहाँ पर 8,630 तक का लेवल है, जो कि सपोर्ट नजर आता है, उधर तक यहाँ पर इसे लेके आ सकती है, या 8,748 का, ये दो लेवल है, इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। फिर अगर ये मोस्टली कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मार्केट में इस लेवल तक आए, उस लेवल तक आने का, फिर दोबारा एक जर्नी करती हुई नजर आए, तो ये एक स्मॉल कैप और मिड कैप, और तेजी के लिए यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था, जो कि 9,153 का था, ओके, इसे क्रॉस किया तो यहाँ पर तेजी होगी, कहाँ तक, 9,415 तक, तो ये लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंडेक्सेस की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आईटी की। आईटी में यहाँ पर अगर हम देखें, लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसने क्या करता हुए नजर आया, इसने यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था कल के दिन में उसे टच करके फिर नीचे आया, और इसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया। और स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, या तो हाई निकाले या लो निकाले, लो निकाला गिरावट, हाई निकाला तेजी। तो इसने हाई तो नहीं निकाला, लो निकाला, और लो निकाल के यहाँ पर नीचे आया है, बट साथ में जहाँ पर ये रुका है वो एक सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ट में, तो यहाँ पर एक 27,400 का, ओके, एक सपोर्ट नजर आता है, यहाँ पर होल्ड कर गया, गुड। अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करता तो याद रखिए गिरावट होती हुई नजर आएगी, जो कि इसकी प्रीवियस यहाँ पर गिरावट थी 26,500 की, वहां तक यहाँ पर चीजें जाती हुई नजर आएगी। बट यहाँ पर जो ये मारुबोजू कैंडल टाइप में बनी है, लगता है कि गिरावट होगी, बट मारुबोजू कैंडल भी यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करती जब इतनी ज्यादा गिरावट हो गई हो। अब ये क्या चल रहा है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल ये कंसोलिडेशन मोड चल रहा है। यहाँ पर देखिए एक ही रेंज में यहाँ पर चीजें घूमती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर से तेजी होने के लिए अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी भी आने वाले टाइम में होती हुई नजर आए। इस लेवल को निकाला ना तो एक आईटी में बढ़िया तेजी होती हुई नजर आई, क्योंकि मिड कैप के रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे इंडेक्सेस की, तो हम यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। तो निफ्टी ऑटो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया था, इसने एक हाई बनाया है, रिजल्ट अच्छे आए तो अच्छा रहेगा,
और नहीं आए तो इसके बाद बेकार ही रहेगा। बजाज ऑटो के रिजल्ट अच्छे बता रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गिरावट हुई है बट रेजिस्टेंस पे अभी भी खड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा तो सीधे यहाँ पर 12,123 ओके और नीचे यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें एक लगातार तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मार्च से अभी तक तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इंडेक्स काफी ऊपर जा चुका है ओके, और ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अगर रिजल्ट अच्छे रहे। तो यहाँ पर रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा, रिजल्ट अच्छे तो ऑटो इंडेक्स भागेगा, रिजल्ट अच्छे नहीं तो ऑब्वियसली बात है और यहाँ ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 3 महीने में बेहतरीन इंडेक्स यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। निफ्टी मेटल की बात करें तो निफ्टी मेटल का चार्ट भी आपके सामने है, देखिए लगातार यहाँ पर ऊपर जा रहा था और आज के दिन भी यहाँ पर लगभग ऊपर ही गया है, यहाँ पर 15 पॉइंट का ही नेगेटिव है, बट यहाँ पर जहां से ये गिरा है वहां पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को जब तक अगर क्रॉस कर दिया तो तेजी होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर 5,472 का लेवल निकल जाएगा। बट मुझे लगता नहीं है, अगर यहाँ पर सारे इंडेक्सेस में यहाँ पर गिरावट है तो यहाँ पर भी गिरावट होती हुई नजर आएगी। बट यहाँ पर जो कैंडल बन रही है वो बन रही है स्पिनिंग टॉप, तो स्पिनिंग टॉप ऑलवेज अगर हाई निकला तेज, यहाँ पर हाई निकाला जो कि 5,200 का है तो तेजी, अदरवाइज यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई देगी, जो कि इसका सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है 5,040 का, और ये भी गिरावट हुई तो और नीचे यहाँ पर ये इंडेक्स को लाके और इस एज वेल एज स्टॉक्स को लाके रख सकता है और रिजल्ट ऐसे कुछ खास आ नहीं रहे, ये भी आप जानते ही है। FMCG की बात करें, FMCG में लगातार तेजी थी जैसे कि हम यहाँ पर बता ही रहे थे और अभी भी तेजी बनी रहेगी ओके, और आने वाले टाइम में ये ये जो इंडेक्स है जो कि अभी तो इसने ऑल टाइम हाई लगा ही लिया है, बट स्टिल और एक हाई लगाता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, तो वो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। चीजें नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को इसने सपोर्ट किया है ओके, और वहां से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर गिरावट होती है तो FMCG पे नजर रखिएगा, जैसे ही इन्फ्लेशन खत्म होगी तो ये सबसे पहले भागते हुए नजर आएंगे 6 महीने का, और 6 महीने बाद अच्छे खासे रिजल्ट आपको FMCG सेक्टर के स्टॉक्स है वहां पर आपको नजर आएंगे। फार्मा की बात करें, फार्मा में लगातार एक गिरावट देखी गई थी, हम यहाँ पर देख रहे थे, बट अब यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आ रही है ओके, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ रिट्रेसमेंट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो गई है, सपोर्ट पे यहाँ पर चीजें नजर आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 12,300 का सपोर्ट यहाँ पर होल्ड करेगा, और होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर फिर एक दोबारा तेजी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर से आप देखें तो इसने यहाँ पर एक बॉटम बना लिया है, यहाँ पर देखिए तेजी करी, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर तेजी करी, अब यहाँ दोबारा रिट्रेसमेंट और फिर उसके बाद एक दूसरी राउंड ऑफ जर्नी के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो फार्मा की तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और जब इस तरह की गिरावट हो रिट्रेसमेंट हो एज इन दैट मोमेंट अगर आप यहाँ स्टॉक खरीदेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे। एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बेहतरीन रिटर्न्स देने के बाद एनर्जी सेक्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। IEX के रिजल्ट थे, IEX के रिजल्ट अच्छे नहीं आए और मुझे लगता है आने वाले 3-4 क्वार्टर उधर भी दबाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर या तो नीचे आए तो बायोडिप्स की रणनीति अपनानी है, बेहतरीन शेयर है, बट अगर ऊपर के लेवल पे आता है तो निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक तेजी होती हुई नजर आएगी, चीजें यहाँ पर बेकार हो सकती है और यहाँ पर आपको 23,000 का लेवल या 22,961 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये पूरी की पूरी आपको कथा थी जो मैं आपको बताना चाहता था मार्केट से रिलेटेड, कि एग्जैक्टली मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा चैनल नितेश कुमार उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।